क्या चीज करके खाएंगे, क्या चीज करके खाएंगे हम, कौन दुखा करेंगे। पहले से प्रतीति तो याव दम दब है, दमने को गो हमनी के हालत है, उन्हें देख रहे कि नदी बहरा कब दह जाएंगे, कब का होंगे, जो कोई ठिकाना नहीं है हमनी के। रहने की तो व्यवस्था है ये नहीं, खाना की व्यवस्था है ये नहीं। जरी मनी कैसे कैसे तो भोजन चल रहा हमने के, कुछ व्यवस्था है कैसे कैसे हमने कर रहा है, जो तो कोई ठिकाने नहीं है। अच्छी रहते, ताकत मिलता, संतुष्टि मिलता, कागज मिलने से बहु हमने के हेल्थ बढ़ता। संते झा छत से तखन से कहै छे, और सब गोटाए घरे में ही जेना सब छी तेना सबटा समस्या में कुछ खाली टा जाय काल में 429 करोड़ रुपया के सेंसन कर दिन आ वह विश्वविद्यालय के लिए। वज्र खसे ओही देश यो। मैं रानी झा हूँ और मैं बिल्कुल ही ग्रामीण परिवेश से आई हूँ। एक्चुअली मुझे रहा नहीं गया था, जब मैंने देखा कि समाज में जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं उससे महिलाएं बहुत ज़्यादा अभी भी इस युग में भी प्रभावित हो रही हैं, तो थोड़ा मैं उसको अपनी आवाज़ को मैं शक्ल देना चाहती थी कि मैं जो कुछ सोच रही हूँ उसको मैं कुछ मैंने किसी भी माध्यम से उसको समाज को दिखाऊँ कि ये गड़बड़ हो रहा है। मैं बोल नहीं सकती थी, मेरा समाज इसके लिए, अगर मैं बोलने के लिए खड़ी होती तो हो सकता है बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन मैंने विद्रोह का एक नया रास्ता अख्तियार किया कि मैं पेंटिंग बनाती हूँ, मैं कलाकार हूँ। एक भ्रूण हत्या जो है बहुत ही अहम मुद्दा है, और मैंने अपने पड़ोस में भी देखा था, एक ही माँ के कोख से तीन तीन लड़कियों को जब मैंने मारते देखा था मुझे बहुत रिएक्शन हुआ, इसलिए कि मेरी बेटी उस समय बड़ी हो रही थी और समझदार हो गई थी, और वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही थी। मुझे लगा कि जो बेटी मेरे घर को खड़ा करने में सहयोग कर रही है वैसी ही बेटी हर किसी की होती होगी, उसको क्यों मारते हो। उस समाज में आग लगे, उस देश पे वज्र गिरे जहाँ कोख में कन्याओं को मारा जाता है, वैसे समाज का कहीं कल्याण हुआ है। क्या होगा अगर इसी तरह महिला लिंग अनुपात में अगर असमानता रही तो इसका इम्पैक्ट समाज पे क्या आएगा, यह सोच के मैंने दूसरा एपिसोड भी बनाया कि मैंने दिखाया है कि एक हाथ से वही लेडी डॉक्टर एक लड़के को माथे पे हाथ रख रही है और दूसरे हाथ में कैंची है जो गर्ल चाइल्ड को मार रही है। एक मैंने बनाया है जो पर्दा है, बहुत बड़ा पर्दा है, उसमें आंखें झांक रही हैं, वो महिलाओं की आंखें हैं जो बाहर आने के लिए कसमसा रही हैं लेकिन निकल नहीं पा रही हैं, लेकिन उनमें चेंज आता है, बदलाव आता है और वो संगठित होकर पर्दे को फाड़ते हुए निकल रही हैं।
सत्यमेव जयते मैंने जब देखा ना, तो मुझे लगा कि मैं दौड़ के मैं बेटी को बुला लाई, ये देखो देखो जो हम लोग सोच रहे हैं वो ये टीवी पे दिखा रहे हैं आमिर खान साहब। तो उसके बाद एक साहस मिला, एक हिम्मत मिली, जब ये आवाज़ उठा रहे हैं तो जो मैंने साहस किया है उसको और मजबूती मिलेगी।